जो सिद्धि है वही जीतेगा। सफलता के सफर में बेइज्जती भी जरूरी है जनाब। इसे डरने वाले बिखर जाते हैं और लड़ने वाले निखर जाते हैं। कोई आपका अपमान करे, कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई अपना, कोई पराया, कोई पड़ोसी, कोई फैमिली वाला, कोई आपका क्लोज फ्रेंड या फिर कभी कभार अनजान कोई आपकी बेइज्जती करे, तो उसका कैसे बदला ले? किसी का बाप आपका अपमान नहीं कर पाएगा अगर ये चीज आपने करनी सीख ली। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाऊंगा आज दोस्तों, किसी का अपमान इस तरीके से करें कि उसी के मित्र, उसी के सगे संबंधी, उसी के पीछे खड़े होने लोग उसी पे हंस पड़े। यानी हंसी मजाक में कैसे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आप कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बनाना सिखा दूंगा दोस्तों इस 10 मिनट के वीडियो में। साथ चिपक के रहना। इसके बाद जिंदगी में कभी कोई आपका अपमान कर देना तो कमेंट बॉक्स में गाली लिख के चले जाना, कुछ नहीं बोलूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। दोस्तों कई बार जो हमारे लोग इंसल्ट करते हैं वो हमसे पीछे होते हैं या फिर हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर हमें नीचा साबित करने के लिए वो हमारी बेइज्जती मारते हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास जैसी कार है वैसी आपके पास नहीं है, इसलिए वो आपकी बेइज्जती मारते हैं। जितना बड़ा टीवी आपके पास है उतना बड़ा टीवी उनके पास नहीं है, इसलिए वो आपकी बेइज्जती मारते हैं। और आपकी बेइज्जती मारकर उनका परम उद्देश्य जो होता है वो होता है आपको गुस्सा दिलाना। तो इट मींस अगर आप गुस्सा हो गए तो निश्चित तौर पे जो वो करना चाह रहे हैं उसमें आप वो कामयाब रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको चुप नहीं रहना। अगर गुस्सा नहीं करना तो आपको चुप भी नहीं रहना। दोस्तों रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को एक नॉर्मल इंसान से महान इंसान, सर्वोत्तम विद्वान, चालाक बनाती है। आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। कोई आपका अपमान करे तो सबसे पहले तो एक चीज़ को याद रखिए कि सोच समझ कर जवाब देना है आपको। कसम खा लो कि भाई मेरे को गुस्से में जवाब नहीं देना, सोच समझ के जवाब देना है। दोस्तों बड़ा सरल सा एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बारी एक बुक राइटर ने अपनी बुक लॉन्च करी और न्यूज रिपोर्टर जो कि कई बार बदतमीज होते हैं, उस मीडिया के पर्सन ने उस बंदे से पूछा, मैडम आपने बुक लॉन्च करी है, ये बुक आपने किससे लिखवाई? तो वो कहती है, मैडम कहती है, जिसने बुक राइट करी उसको बहुत गुस्सा है, वो चाहती तो गाली दे सकती थी मगर उसने ये बोला, मेरी बुक आपको पसंद आई, वेरी वेरी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, बट आपने ये बुक किससे पढ़वाई? दोस्तों सब हंसने लग गए क्योंकि उसकी वहीं पे मुंह पे कालिक पुत गई सबके सामने, जिसने उसकी बेइज्जती मारने की कोशिश करी उसने उसको बोल दिया कि तुम्हें तो पढ़ी गई नहीं होगी, तुमने किससे पढ़वाई, पहले तुम ये बताओ। तो दोस्तों इंसान को सामने वाले की बेइज्जती मारने का तरीका आना चाहिए। अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी की बेइज्जती मारनी है तो हमें गुस्सा नहीं होना और रिस्पॉन्ड जरूर करना है, मतलब चुप कभी नहीं रहना। कभी कोई आपकी बेइज्जती मारे तो आपको चुप नहीं रहना, ये बात आप कसम खा लीजिए। तो अब सेंस ऑफ ह्यूमर से रिस्पॉन्स कैसे करना है, अपने दिमाग की ताकत से रिस्पॉन्स कैसे करना है? दोस्तों जब भी कभी भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा, यानी 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन का जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी का मजाक कैसे उड़ाए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा कैसे करें जिससे आप सामने वाले का 2 सेकंड में मजाक उड़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के अंदर राज नाम का लड़का होता है, वो प्रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता होता है और कई बार प्रिया नाम की लड़की राज का मजाक उड़ाती है, तुम कैसे दिखते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, कभी उसके कपड़ों का मजाक, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसकी बात करने का तरीके का मजाक, कभी उसकी इंग्लिश का मजाक। बट राज सब कुछ सुन लेता था, कभी कभार गुस्सा हो जाता तो कहती, रो मत यार लड़की की तरह, ऐसे मतलब एक तरीके से उसको नीचा साबित करती रहती थी और खुद को बनती थी जैसे बड़ी कूल है। दोस्तों राज को एक बार ये फॉर्मूला मिल गया कि कैसे किसी का मजाक उड़ाना है। अब जिस दिन वो प्रिया से मिला उसने उसको बोला, यार तेरे बाल कैसे हैं, जैसे स्टील की तारे हो। कैसे बाल है? उसके बाल हल्के से घुंघराले थे, उस दिन उसने शैम्पू नहीं करा था, चीज बहुत छोटी सी थी मगर जिस तरीके से उसने मजाक उड़ाया ऐसा लग रहा है स्टील की तारे हैं, ऐसा लग रहा है तेरे बाल कैसे स्पीड ब्रेकर के जैसे हैं। मतलब उसकी या तो सामने वाले की, दोस्तों जहां ध्यान से सुनना, करोड़ों की बात बता रहा हूं, सामने वाले की या तो खूबी या फिर खामी को एग्जैजरेट करके बताओ आप। अगर वो नाटा है तो बोलो, अरे भाई कैसे सीढ़ी लगा के किस लेगा क्या अपनी गर्लफ्रेंड का,
तो दोस्तों ये एक तरीके से आप मजाक उड़ा सकते हो। अगर वो बहुत हाइट में लंबा है तो उसे बोलो यार जा रहा आम तोड़ के ला, जा जल्दी जा, तेरी हाइट वैसी बहुत लंबी खींच के जा आम तोड़ के ला। आप उसके रंग रूप, आप उस जो आपका अपमान कर रहा है, देखिए दोस्तों हर किसी का अपमान करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी का अपमान करो तो सूद समेत लौटा के देना पड़ता है, इसलिए अपमान करने से पहले 4 दफा जरूर सोचिएगा। कभी भी किसी का बेवजह अपमान मत करिएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी बंदा आपका अपमान करे, आप उसको पहले देखें, उससे बात करें, आप उसके बारे में जांचें, हल्का सा उससे बात करके आप पहचान लीजिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको कम गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, वो अपनी अपनी लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो उसको बोलो यार तेरी क्या चमगादड़ जैसी शक्ल है, मतलब क्या च्यवनप्राश से दाढ़ी बनाता है क्या तू अपनी है? मतलब आप इस तरीके से उसका मजाक उड़ा सकते हो, उस बात को बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके आप उसकी बेइज्जती मार सकते हो। सपोज करिए आपका कोई अपमान कर रहा है तो उसको एग्जैजरेट करिए जितना ज्यादा। यही चीज राज ने भी करी प्रिया के साथ, उसके बालों का, उसके ऊपर का मजाक उड़ाया। वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी तो उसकी हर उस चीज का मजाक उड़ाया और बड़ा चढ़ा के उसका मजाक उड़ाया। तो ये बहुत ही सरल और इजी तरीका है किसी का भी अपमान करने का। कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसका उल्टा रिवर्ट ऐसे करें। दोस्तों कई बार ऐसा भी होगा कि आप सामने वाले का अपमान नहीं करना चाहेंगे, आप सोचेंगे छोड़ यार इसके मुंह नहीं लगना। तो दोस्तों सरल सी कहानी है, बड़ी सरल सी जुमला है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, भौंकने दे साले को, अपनी बैलेंस शीट दिखाऊंगा 2 मिनट में समझ जाएगा, अपना बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए कमा के दिखाऊंगा, जब जिस दिन BMW में घूमूंगा ना अपने आप अपनी ऑल्टो साइड में करके जाएगा, सलाम ठोक के जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सी चीज है। जब आपके बच्चे सनरूफ से बाहर निकल कर खेल रहे होंगे ना और उसके बच्चे देख रहे होंगे पापा हमें भी सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, उसको अपना अपमान अपने आप दिखाई दे जाएगा, आपको किसी की बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में कभी कोई आपका अपमान करे तो गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा होके आप अपने आप को और ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।